मोटो ने खा ली है कसम बजट सेगमेंट को धुआं धुआं करने की, इसीलिए बैक टू बैक लाजवाब फोन्स आए जा रहे हैं। हाल फिलहाल में लॉन्च मोटो G45 5G अपने अलग रंग दिखा रहा है, लेकिन इसी प्राइस रेंज में इसको टक्कर देने के लिए है एक और महारथी Realme C63 5G। तो अब क्योंकि ये अंडर 10,000 सेगमेंट के सबसे हॉट सेलिंग फोन्स है, तो क्यों ना इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए पता लगाने के लिए कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं इन दोनों के डिजाइन से। अब देखो, डिजाइन इज समथिंग सब्जेक्टिव, किसी को कुछ पसंद आता है तो किसी को कुछ, लेकिन दोनों ही फोन्स का डिजाइन जो है काफी अच्छा है और हाथ में पकड़ने में दोनों ही फोन्स काफी अच्छे फील होते हैं। बट भाई मटेरियल वाइज अगर बात करें तो Realme C63 5G में आपको पॉली कार्बोनेट मटीरियल की बॉडी मिल रही है, वेयर एज मोटो G45 5G में आपको मिल रहा है वीगन लेदर फिनिश, जो कि इस सेगमेंट में तो मल्टच एंड फील से थोड़ा ज्यादा प्रीमियम एंड पॉली कार्बोनेट से थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव है, रिजल्टिंग इन बेटर लुक्स एंड ग्रिप। और इतना ही नहीं, ये तीन गॉर्जियस पैंटोन क्यूरेटेड कलर्स में अवेलेबल है, ब्रिलियंट ब्लू, वीवा मजेंटा और ब्रिलियंट ग्रीन। अब भाई वेट की बात करें तो भाई मोटो G45 5G अराउंड 183 ग्राम वे करता है, वेयर एज Realme C63 5G अराउंड 192 ग्राम वे करता है। मतलब दोनों में सेम साइज 5000 mAh की बैटरी होते हुए भी मोटो G45 5G वेज लाइटर देन Realme C63 5G। वेल, मोर अबाउट द बैटरी थोड़ा रुक कर। अब भाई बात करते हैं डिस्प्लेस की, तो दोनों ही फोन में लगभग एक जैसे साइज का पैनल मिल जाता है आपको। Realme C63 5G में आपको मिलता है 6.67 इंच का डिस्प्ले और Moto G45 5G में मिलता है आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले। दोनों में ही आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। Moto G45 5G में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है, जो इसे ड्रॉप्स और स्क्रैचेस से बेहतर प्रोटेक्शन देता है। तो इफ यू आर समवन लाइक मी जिसका फोन गिरता पड़ता रहता है, तो Moto G45 5G will make a little more sense to you। थोड़ा entertainment purpose से देखे तो भाई यहाँ पर भी Moto G45 5G ज़्यादा sense बनाता है, thanks to the Dolby Atmos वाले dual stereo speakers जो high res audio produce करने के capable है, जबकि Realme C63 5G में आपको single speaker ही मिलता है। लेकिन भाई सिर्फ specs पर नहीं जाते हैं, इसका real life difference भी देखते हैं। देखो भाई, इट्स ऑब्वियस कि डुअल स्टीरियो फोन्स के स्पीकर ज्यादा साउंड दे रहे हैं, जो सिर्फ लाउड ही नहीं ज्यादा बैलेंस्ड भी है, एंड ऐसा एक्सपीरियंस एंश्योर करने में डॉल्बी एटमॉस plays a huge role। So now let's move to इस वीडियो के सबसे important segment में, which is performance। दोनों डिवाइसेस के प्रोसेसर्स की बात करें तो Realme C63 5G में MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर है, whereas Moto G45 5G में सेगमेंट का फास्टेस्ट 5G प्रोसेसर दैट इज Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3 प्रोसेसर है। तो हम क्या करेंगे, Instagram, Spotify, Swiggy जैसे जो डेली एप्स हम यूज करते हैं, इन दोनों फोन्स पर एक साथ ओपन करेंगे एंड देखते हैं कि पहले कौन सा फोन ओपन करता है इनको, और इसके बाद हम उन एप्स को दोबारा से रीओपन करके देखते हैं कि रैम मैनेजमेंट इन दोनों में से किसकी बेटर है। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चाहे हल्की एप्लीकेशन हो जैसे स्विगी या भारी एप्लीकेशन जैसे गूगल क्रोम, वो सभी एप्लीकेशन पहले मोटो G45 5G ने ओपन करे देन द Realme C63 5G। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, अब हम इन सभी एप्स को दोबारा से ओपन करके देखते हैं कि रैम मैनेजमेंट किसकी बेटर है। तो भाई जहां हमने देखा कि रैम मैनेजमेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही फोन्स बराबर की टक्कर पे है, वहीं मोटो G45 बाजी मार जाता है ऐप ओपनिंग स्पीड्स में। और अगर कुल मिलाकर कहे तो डेली यूज में दोनों ही फोन्स काफी स्मूथ चलते हैं, लेकिन मोटो G45 5G थोड़ा ज्यादा आगे निकल सकता है कुछ हैवी टास्क में, जैसे कि गेमिंग, वीडियो एडिटिंग एक्सेट्रा। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इसकी परफॉर्मेंस इसके प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी है, विद द सेगमेंट्स फास्टेस्ट 5G प्रोसेसर द Snapdragon 6S Gen 3, ये फोन लाजवाब है भाई। सो नेक्स्ट अप इज सॉफ्टवेयर।
जो फोन की परफॉर्मेंस एंड यूजर एक्सपीरियंस दोनों को डिटरमाइन करता है। तो Realme C63 5G में आपको Realme UI 5.0 मिलेगा, जिसमें bloats एंड प्री इंस्टॉल्ड एप्स काफी मिलते हैं भाई। नेक्स्ट अप वी हैव Moto G45 5G एंड इसमें आपको ब्लोटवेयर एंड थर्ड पार्टी एप्स बहुत ज्यादा नहीं मिलते। यस, देयर आर अ फ्यू प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस, बट दे प्रूव टू बी यूजफुल व्हाइल द सेटअप। इसमें आपको माई यूएक्स का एक रिफ्रेश्ड वर्जन मिल रहा है जो एंड्रॉइड 14 के ऊपर रन कर रहा है, एंड इट इज अश्योर्ड टू गेट अ एंड्रॉइड 15 अपडेट अलॉन्ग विद 3 years ऑफ सिक्योरिटी अपडेट्स। इतना ही नहीं, मोटो G45 5G में आपको मोटो की सॉफ्टवेयर के वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि मोटो सिक्योर, जो देता है आपको मल्टीपल फीचर्स दैट मेक्स द डिवाइस सुपर सिक्योर। और साथ में है स्मार्ट कनेक्ट, जो सीमलेसली कनेक्शन करता है विद योर विंडोज लैपटॉप। उसके बाद यह आपके लैपटॉप से इतना अच्छे से चिपक कर पेयर हो जाता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन जो अपने फोन पर चला रहे हैं एक सिंपल स्वाइप से अपने PC पर ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये एक्टिविटी इतने प्लेन और बढ़िया तरीके से होती है कि कोई इंटरप्शंस नहीं आते आपके प्लेबैक में। एग्जांपल के तौर पे स्पॉटिफाई को लेकर चलते हैं हमारे फोन से लैपटॉप पर, एंड जस्ट लाइक दैट इट्स डन। और अभी एक बार ट्राई करते हैं यूट्यूब ऐप के साथ भी, देखने के लिए कि प्लेबैक में कोई इशू आता है क्या। एंड नो, ये फ्लुएंटली शिफ्ट हो गया है भाई। सेम गोज फॉर सोशल मीडिया एप्स एंड इवन विद गेम्स। कैन यू बिलीव इट, ये कनेक्शन इतना शानदार है कि आप लिटरली चाहो तो आपके विंडोज कीबोर्ड एंड माउस से आप अपना फोन भी कंट्रोल कर सकते हो, या फिर चाहो तो लार्ज फाइल्स एफर्टलेसली शेयर कर सकते हो। और चीजों को एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए स्मार्ट कनेक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू यूनिवर्सल क्लिपबोर्ड, मतलब लैपटॉप पर कॉपी दबाओ और फोन में पेस्ट, काम हो जाएगा। चाहो तो फोन की नोटिफिकेशंस लैपटॉप पर देख सकते हो, ऐप स्ट्रीम कर सकते हो, या फिर एकदम बेस्ट बात बताता हूं, अगर आपके लैपटॉप का कैमरा एकदम लुल है या फिर यू आर अ PC यूजर हु इज ऑन अ बजट, तो यू कैन यूज योर मोटो G45 5G एज योर वेब कैमरा। ट्रस्ट मी, आपकी कैमरा क्वालिटी के चर्चे हो गए भाई। अब कैमरा क्वालिटी की बात हुई है तो चलो भाई डिटेल में डिस्कस करते हैं इन दोनों के कैमरास को। Realme C63 में आपको मिलता है 32 megapixel AI कैमरा और साथ में 2 megapixel का डेप्थ सेंसर। वहीं अगर Moto G45 5G की बात करें तो इसमें है 50 मेगापिक्सल का क्वाड पिक्सल कैमरा और साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो विजन कैमरा। अब काफी होगी भाई स्पेक्स की बात, जरा सैंपल्स पर नजर डालते हैं। अगर पिक्चर्स को प्रिसाइसली नोटिस करें तो Realme C63 5G has a lot of sharpness going on in the pictures. मतलब थोड़ा ओवर ही हो रहा है वर्सेस Moto की डिटेल्स जो काफी एक्यूरेट है। कलर्स की बात करें तो Moto has a slightly punchy approach which can be considered good अगर आप सोशल मीडिया पर काफी स्टोरी एंड पिक्चर्स पोस्ट करते हो, एंड वही Realme C63 की पिक्चर्स आर कंपैरेटिवली लेस सैचुरेटेड। इस फोटो को देखो, अगर इसमें आप ये बिल्डिंग भी देखोगे ना तो कलर्स में काफी डिफरेंस है यहाँ पर, एंड Realme इज स्लाइटली ऑन द फ्लैटर साइड। एक चीज जहाँ Moto G45 5G बाजी मार जाता है वो है मैक्रो कैमरा, क्योंकि Realme इंटायरली स्किप्स ऑन इट। एंड द मैक्रो कैमरा टेक्स यू इन एन एंटायरली न्यू मैग्निफाइड वर्ल्ड जो कि बहुत क्रेजी है भाई। अब आता है इस कंपैरिजन वीडियो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हिच इज बैटरी एंड चार्जिंग। तो देखो भाई, इस लॉट में आपको दोनों ही फोन्स में 5000 mAh की बैटरी मिलती है, सो इट्स ऑब्वियस कि ये दोनों लाइट टू मॉडरेट यूजेज में 2 दिन आराम से चलने वाले हैं। बट अगर चार्जिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो भाई Realme C63 5G 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जबकि Moto G45 5G आपको 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देता है। तो एक इक्वेशन लगाई जाए तो Moto G45 आगे है, क्योंकि आपको ना सिर्फ इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ बैटरी मिलती है लेसर वेट पर, बट फास्टर चार्जिंग भी मिलती है। तो भाई यहाँ पे सारी बातें हो गई दोनों ही फोन्स के बारे में, तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, विच इज प्राइसिंग। अगर Moto G45 5G की बात करें तो उसका 4GB प्लस 128GB वेरियंट आपको 999 में मिल जाएगा, वही Realme C63 5G का 4GB प्लस 128GB आपको 1000 रुपए महंगा यानी 10999 में मिलेगा। वहीं 6GB RAM प्लस 128GB वेरिएंट की बात करें तो वहां Moto G45 skips on that, but Realme C63 5G का ये वर्जन आपको कॉस्ट करेगा 11999। बट इसी एग्जैक्ट प्राइस में आपको 8GB प्लस 128GB वर्जन मिल रहा है,
तो इस हिसाब से तो मोटो G45 5G सेम प्राइस में आपको 2GB ज्यादा रैम दे रहा है एंड दैट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर एवरीडे परफॉर्मेंस। तो भाई जैसा कि हमने देखा ये दोनों ही फोन्स काफी क्लोज कंपटीशन में है, लेकिन अगर मुझे एक चूज करना होगा तो मैं चूज करूंगा मोटो G45 5G क्योंकि ओवरऑल ये बेटर पैकेज है, क्योंकि इसमें आपको मिल रहा है 5G, साथ में है ग्रेट सेट ऑफ कैमरास, बेहतरीन परफॉर्मेंस, डिस्प्ले और स्पीकर के मामले में भी दिस मेक्स मोर सेंस। इनफैक्ट सेगमेंट के फास्टेस्ट 5G प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 के साथ आई कैन इवन से दैट मोटो G45 5G इज द बेस्ट 5G स्मार्टफोन अंडर 10,000। तो भाई इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट इज इट फॉर दिस वन गाइज। आपका क्या ख्याल है मोटो G45 5G के बारे में हमें कमेंट्स में आकर जरूर बताओ, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी भाई शेयर कर देना उनका भी भला करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।